हे गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं गुड वाइब्स के प्रोडक्ट। तो मैंने अभी 3 गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं इन टोटल। उसमें हेयर केयर भी है, स्किन केयर भी है। तो ओवरऑल एक तरीके से हमें उसका एक एज अ ब्रांड हाउ गुड वाइब इज़ डूइंग उसका एक रिव्यू इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो गुड वाइब्स को रिव्यू करने का आइडिया मुझे तब आया व्हेन आई सॉ के गुड वाइब्स अब जैसे बायोटेक आया था और दूसरे ब्रांड्स आए थे जो हर्बल ब्रांड्स थे उनकी तरह मार्केट में एक और हर्बल ब्रांड आया दैट इज़ गुड वाइब्स विच इज़ डूइंग फेयर। तो उसको सोच के आया थॉट कि एक बार यूज़ करके देखते हैं कि कैसा है ये। आई स्टार्ट विद द रीसेंट वन एज यू कैन सी कि आई हैव वॉश्ड माई हेयर टूडे ओनली एंड सो दिस इज़ गुड वाइब्स एप्पल सिडर विनेगर स्मूदनिंग शैम्पू। तो मैंने ये छोटी ट्रायल बॉटल मंगाई थी। आई डोंट नो इफ यू पीपल कैन सी दिस। ओके सो दिस इज द टाइनी ट्यूब ऑफ द शैम्पू। आई डोंट वरी मेरे बालों में इसने काम किया था। इट वॉज इनफ टू वॉश माई हेयर वंस। यस तो ऐसी मैंने दो बॉटल्स मंगाई थी तो बिकॉज दो ट्यूब्स मंगाई थी बेसिकली बिकॉज आई न्यू कि ये एक ट्यूब मेरे बालों में एक ही बार यूज होगी। एक्चुअली मुझे लगा था कि मुझे एक बार भी दो ट्यूब्स चाहिए होंगी बट वन ट्यूब वंस एंड दिस लेंथ ऑफ हेयर। एंड ऐसा नहीं था कि मेरे बाल यू नो कि बस ठीक ठीक क्लीन हुए थे। इट क्लीन माई हेयर रियली वेल। ऑल्सो इट डजंट लेदर अलॉट। बहुत ज़्यादा लेदर नहीं होता है, झाग नहीं होता है इसमें। इट्स अ क्रीमी शैम्पू। आई थिंक इसमें कुछ बचा होगा या लाइक दिस। सो इट्स अ क्रीमी बेस्ड शैम्पू जस्ट लाइक पैंटीन कंडीशनर। बिल्कुल उस तरह का शैम्पू है ये एंड इट हैज़ अ रियली गुड फ्रेग्रेंस। तो दिस इज द वेरियंट एप्पल सिडर विनेगर वेरियंट एंड इट हैज़ रियली गुड फ्रेग्रेंस। एंड मैंने इसको यूज़ करने का दूसरा जो मेरा रीज़न था इट वॉज कि मैंने कोई अभी तक कोई भी ACV प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है। तो आई वॉज एक्चुअली वेरी क्यूरियस टू नो कि हाउ डज ACV यू नो हेल्प अस। सो आफ्टर दिस लाइक आफ्टर ट्राइंग दिस शैम्पू आई एम एक्चुअली अगेन आई एम वेरी एक्साइटेड टू ऑर्डर मोर ऑफ दिस। लाइक मैंने इसको पहले यूज़ किया था एक बार एंड आज फिर से मैंने इसे यूज़ किया एंड माई हेयर आर एक्चुअली लाइक दे आर रियली स्मूथ एंड शाइनी एंड लाइक आई एम एक्चुअली लविंग माई हेयर आफ्टर वॉशिंग देम विद दिस शैम्पू। एंड ऑल्सो इस शैम्पू को मैंने ऑयलिंग करके यूज़ किया था एंड उसके बावजूद माई हेयर आर लाइक यू नो यू कैन सी दिम। एंड मैंने इन बालों में कंडीशनर यूज़ नहीं किया है। लाइक आई जनरली डोंट लाइक टू यूज़ कंडीशनर बिकॉज यू नो विद दिस लेंथ आई एंड अप ईटिंग मोर कंडीशनर देन शैम्पू। सो आई ट्राई कि मैं इस तरह के शैम्पूज यूज़ करूँ जिनमें उन्हीं मतलब लाइक शैम्पूज दैट हैव कंडीशनर इन देम और शैम्पूज दैट वर्क ओके और वर्क वेल विद ऑयल हेयर। So for this shampoo, I really liked it. It really makes your hair smooth. If you have frizzy hair, you can totally go with it. Meri scalp oily hai. Mere hair frizzy hai. And like, saro se zyada barik aur silky hai. Unke liye, I mean, mere hair ke liye, it was really good. Oily scalp hai agar aapki, toh bhi aap isse use kar sakte ho. And just avoid conditioner after this. Like, I don't even use conditioner. If you have frizzy hair, you can totally go with it because I have frizzy hair. So yeah, this was good for me. And उसके साथ ही like ये वाला tube इसका 40 rupees MRP है but मैंने इसको purple से order किया था और ये मुझे शायद कुछ 25 rupees का पड़ा था ये एक tube. And इसका बड़ा bottle भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है जहाँ तक मुझे पता है एंड मोस्टली इट्स ऑलवेज ऑन सेल और कुछ डिस्काउंट चलता रहता है purple.com पे तो यू कैन चेक इट आउट। बड़े बॉटल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई इट आउट तो ये ट्रायल ट्यूब का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई इट आउट यू कैन चेक इट।
So, second thing was this Good Vibes Oil Control Coffee Face Wash. So, this is the bottle. So, as you can see, the bottle is completely empty and मैंने इसको पानी डाल के भी यूज कर लिया है. So, actually, this face wash was so 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 good. And I mean, I'm in love with this face wash. मैं इसको दोबारा ऑर्डर नहीं कर पाई हूँ. इट स्मेल्स जस्ट लाइक कॉफी. तो ये वैसे ही आपको सुबह सुबह वेकन अप कर देगा, जगा देगा. एंड इट रियली कंट्रोल्स योर ऑयल. लाइक ये आपकी स्किन को बिल्कुल टाइट और ड्राई नहीं बना देता है. इट जस्ट रिमूव्स दी करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑयल टू मेक योर स्किन मॉइस्ट, टू मेक योर स्किन जस्ट यू नो, इट जस्ट करेक्ट द अमाउंट ऑफ ऑयल इन ऑन योर स्किन. सो आई रियली लाइक दिस फेस वॉश. एंड अगेन इट दिस फेस वॉश ऑल्सो डजेंट लेजर अ लॉट, बट इट डज क्लींज योर स्किन वेरी वेल. सो एज यू कैन सी आई हैव सम ब्रेकआउट्स राइट नाउ जो कि नहीं थे व्हेन आई वॉज यूजिंग दिस फेस वॉश. सो फ्रॉम लास्ट आई थिंक 2 वीक्स आई एम यूजिंग सम अदर फेस वॉश एंड इसको यूज नहीं करने पे मुझे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है. एंड व्हेन आई यूज दिस आई हैड दीज काइंड ऑफ लिटिल लिटिल लाइक लिटिल ब्रेकआउट्स ऑल ओवर माई फेस. एंड व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस फेस वॉश एवरीथिंग इज गॉन. सो या लाइक दिस इज वन थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू पीपल. द लास्ट थिंग फ्रॉम गुड वाइब्स वॉज अगेन दिस टाइनी ट्यूब ऑफ गुड वाइब्स रोज इल्यूमिनेटिंग बॉडी लोशन. एंड अगेन एज इट सेज रोज, इट स्मेल्स जस्ट लाइक रोज वाटर एंड इट हैज़ अ रियली नाइस बेबी पिंक कलर. आई जस्ट शो यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऊज आउट अ लिटिल बिट ऑफ इट दिस लोशन. सो हैज दिस प्रिटी बेबी पिंक सॉर्ट ऑफ कलर, लाइक इट पिंकिश वाइट एंड इट जस्ट यू नो एब्जॉर्ब्स इन योर स्किन रियली वेल विदाउट एनी रेजिड्यू. एंड इट्स एब्जॉर्ब्ड, इट हैज़ अ रियली नाइस कामिंग कूलिंग इफेक्ट ऑन योर स्किन. सो ऑनेस्टली आई एम यूजिंग इट ऑन माई फेस एज वेल, वेरी लिटिल क्वान्टिटी ऑफ इट. जितना मैंने भी आपको हाथ पे दिखाया था सिर्फ उतना, बिकॉज आई हैव बैडली बैडली ऑयली स्किन, रियली बैड ऑयली स्किन. एंड तो ऑन माई स्किन आई रियली वॉन्ट टू, आई डोंट नो, तो आई जस्ट पुट रियली रियली टाइनी बिट ऑफ मॉइस्चराइजर्स ऑन माई स्किन बिकॉज एज आई डोंट नो मच अबाउट सिलिकॉन बेस्ड और वाटर बेस्ड और एनी अदर बेस्ड काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर्स. तो मुझे जो मिलता है तो मैं उसमें से थोड़ा सा कुछ लगा लेती हूँ. बट दिस वन इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड. इट डज हैव सम काइंड ऑफ केमिकल्स इन इट. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर कॉस्मेटिक, हर स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर चीज़ों में इसमें मतलब ये थोड़ा बहुत केमिकल तो होगा ही. बट इफ इट्स पैराबिन फ्री, इफ इट्स सल्फेट फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री, देन आई थिंक इट्स समथिंग गुड टू गो. सो गुड वाइब्स का जो भी पूरा रेंज है, इट्स पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री. एंड अंटिल नाउ आई गॉट एक्चुअली रियली गुड रिजल्ट फ्रॉम दीज प्रोडक्ट्स. सो येस, दीज आर ट्राइबल्स एंड फॉर दीज प्रोडक्ट्स इट्स अ थम्स अप. सो ट्राई देम आउट एंड आई एम एक्चुअली थिंकिंग ऑफ ट्राइंग मोर ऑफ देयर वेरियंट्स. इनके फेस जेल्स बहुत सारे हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ अदर यू नो इंटरेस्टिंग बॉडी लोशंस एंड दिस एंड देन. आई एम अ लॉट इन टू स्किन केयर एंड हेयर केयर एंड आई कैन नॉट वेट कि मैं और चीज़ें मंगाऊँ और ट्राई करूँ. एंड इफ आई विल डू दैट श्योरली यू विल गेट अ रिव्यू ऑफ इट एंड यू कैन एक्चुअली गो थ्रू द रिव्यू एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट दैट और नॉट. एंड आई एम समवन जो ये चीज़ें सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज आई नो एन एवरेज गर्ल, एन एवरेज मिडिल क्लास गर्ल जो बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करती है, जिसको सिर्फ मम्मी पापा की पॉकेट मनी मिलती है, वो ऐसे कहीं भी कुछ भी नहीं खरीद सकती है. तो बिफोर वी बाय समथिंग वी रियली वॉन्ट टू नो कि इफ इट्स रियली वर्थ ऑफ बाइंग और नॉट, बिकॉज
आई हैव ऑल्सो डन दैट. सो यस, जब हमारे जैसा कोई हमें बताता है कि ये चीज़ खरीदने लायक है या नहीं है, हम इसमें पैसा डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, तो इट्स मोर यू नो रिलायबल, इट्स मोर बिलीवेबल. सो यस, यू कैन ट्रूली बिलीव मी एंड लाइक आई एम समवन जस्ट लाइक यू. आई एम नो बिग यूट्यूबर और फैशन ट्यूबर और मेकअप आर्टिस्ट. आई एम नो वन. सो आई एम जस्ट अ गर्ल लाइक यू, कॉमन पर्सन, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इन चीज़ों के साथ, जस्ट टू हेल्प यू गाइज. सो इफ यू थिंक दैट दिस शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस वॉज हेल्पफुल टू यू एंड इट कैन हेल्पफुल इट एंड इट कैन बी हेल्पफुल टू समवन एल्स, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो. एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन लाइक द वीडियो. एंड इफ यू वॉन्ट मी टू शेयर मोर सच एक्सपीरियंसेस, देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. थैंक्स अ लॉट. हैव मनीषा साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय. हैव अ गुड डे.